उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा सोमवार को अंडर 23 का ट्रायल सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के ग्राउंड पर संपन्न हुआ, जिसके संबंध में सेलेक्टर आकाश गुप्ता ने बताया कि मंडल क्रिकेट एसोसिएशन ने ट्रायल के लिए निर्धारित तिथि पर क्रिकेट खिलाड़ियों का ट्रायल किया गया। उन्होंने बताया इस ट्रायल में मंडल के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। सोमवार के ट्रायल के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा तथा आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सेलेक्टर आकाश गुप्ता ने कहा, जो भी ले गए। हमारा नाम आकाश गुप्ता जी, मैं यहाँ एज ए सेलेक्टर आया हुआ था। सर यहाँ पे किस चीज़ का ट्रायल हुआ? ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया गया था अंडर 23 का ट्रायल, जिसको मंडल क्रिकेट एसोसिएशन ने यहाँ पे ट्रायल के लिए डेट दिया था और आज उसी चीज़ का ट्रायल हुआ। कितने देर तक ये चला है? ये लगभग ये मंडल का ट्रायल था, जितने डिस्ट्रिक्ट थी वो आती हैं, वो सारी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आई थी, वो सारे लोग ट्रायल दिए हैं और टोटल ट्रायल जो है 3.5 घंटे लगभग चली है। इसके बाद सर क्या आगे का प्रोसेस है? अब इसके बाद प्रोसेस ये होगा कि जो भी लड़के सेलेक्ट होंगे, जो भी चीज़ें, उनको कॉल जाएगा और जिस तरह से चीज़ें होंगी और UPCA द्वारा जो निर्धारित होगा उसके बाद इस पर काम किया जाएगा। जो भी